आज हम बनाएंगे इटालियन स्टाइल, हम बनाएंगे एक प्लान कटलेट बनाएंगे। तो इटालियन स्टाइल एक प्लान कटलेट बनाने के लिए मैंने एक बड़ा एक प्लांट मैंने यूज किया है। ये एक प्लांट को मैंने अच्छी तरह से पोश कर लिया है। उसके बाद हम ये साइड से एक प्लांट को कट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक प्लांट को स्लाइस में कट लगाना है। आधी इंच में हम ये स्लाइस को कट लगाएंगे। हम लंबे लंबे स्लाइस में एक प्लांट को कट करना है। ये एक प्लांट कटलेट है, वो हम गार्लिक ब्रेड के साथ है, बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ जो गरम गरम सूप है और ये एक प्लांट कटलेट एंड गार्लिक ब्रेड, तो हमारा डिनर हो या लंच हो जो भी हो एकदम अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हम ये जो एक प्लांट की स्लाइस में हम आधी इंच में हम कट लगा लेते हैं। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट लगाना है। ये एक प्लांट में थोड़ा सा सीड है वो हम निकाल देंगे। कई बार एक प्लांट अच्छा भी मिलता है, कई बार ये एक प्लांट में सीड भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं उसमें सीड है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सीड है तो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये जो सीड खाने के लिए अच्छा नहीं है। तो एक प्लांट में एक्स्ट्रा जो सीड है वो हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट की स्लाइस में मैंने आधी इंच में मैंने ये स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में एक प्लांट को कट करना है। कई बार एक प्लांट है बहुत अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल अंदर सीड नहीं आता है। कई बार उसमें ज़्यादा सीड भी आ जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सीड है वो हम निकाल देंगे। तो देखिए मैंने एक प्लांट के ऊपर जो एक्स्ट्रा सीड है वो मैंने निकाल दिया है। अब हम एक प्लांट की स्लाइस पर कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है, उसके बाद लिया है मैदा है आधी स्पून जितना, रेड चिली फ्लेक्स है, उसके बाद एक टेबल स्पून जितना ये है पार्सली फ्लेक्स, एक टेबल स्पून जितना ये है गार्लिक है, गार्लिक पाउडर आधी स्पून जितना मैंने डाला है सॉल्ट। अब हमें मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे पानी, डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, बेटर हम तैयार करते जाएंगे। ये बेटर एकदम पतला भी नहीं रखना है, एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है, हम मीडियम पर उसका बेटर रखेंगे। ये बेटर है वो हम एक प्लांट की स्लाइस में डिप करना है, तो थोड़ा सा हम गाढ़ा रखेंगे तो ये जो एक प्लांट की स्लाइस में अच्छी तरह से डिप कर सके हम। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ना, मीडियम पर हम बेटर तैयार कर लेते हैं। बेटर रेडी हो गया है। अब हम ये एक प्लांट की स्लाइस में ये डिप कर लेते हैं। इस तरह से हम डिप कर लेते हैं, ऊपर एंड नीचे से भी इस तरह से हम डिप करेंगे। उसके बाद हम रेड क्रम से उसमें कोट करेंगे। तो इस तरह से जो दूसरा एक प्लांट की स्लाइस है उसमें भी हम ये इस तरह से मैदा का बेटर को हम डिप कर लेते हैं। तो इस तरह से इटालियन स्टाइल एक प्लांट कटलेट बनाएंगे। तो जिसको एक प्लांट खाना बहुत पसंद होता है उसको जरूर पसंद आएगा, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है। एक अलग तरीके से हम ये ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच हो लंच में भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। का बेटर में मैंने डिप कर लिया है। तो उसके बाद मैंने ये लिया है ब्रेड क्रम्स लिया है, तो अब ये स्लाइस है ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस स्लाइस को फ्राई करेंगे। इस स्लाइस को फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में बेक भी हम कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा कम ऑयल यूज करना चाहते हैं तो एक पैन पर हम इधर नीचे थोड़ा ऑयल लगा के हम इस स्लाइस को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये ब्रेड क्रम्स कोट कर लिया है। तो देखिए हमारी ये स्लाइस रेडी हो गई है। तो इस तरह से हम दूसरी स्लाइस में भी कोट लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी ये स्लाइस रेडी हो गई है। तो इस स्लाइस को हम 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम रहने देते हैं, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से 15 मिनट के लिए रहने देते हैं स्लाइस को, तो ये मसाला है एक प्लांट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो हमारा 15 मिनट हो गया है, तो हमारी ये स्लाइस
एकदम रेडी हो गई है। तो इस साइड मैंने गैस पर मैंने पैन रख दिया था, देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो इस स्लाइस को हम फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल एकदम हाई फ्लेम पर है, तो हाई फ्लेम पर ही ये फ्राई करना है। अब मीडियम पर फ्राई करेंगे तो ये स्लाइस पूरी ऑयली ऑयली जैसी हो जाएगी। तो ये स्लाइस को एकदम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए तब तक हम ये एक प्लांट को फ्राई करना है। ऊपर का जो कोट है क्रिस्पी कुरकुरा हो जाए तब तक हम ये एक प्लांट को फ्राई करना है। तो ये परफेक्ट हमारी एक प्लांट कटलेट हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से एक प्लांट स्लाइस को फ्राई करना है। जो पहली वाली हमने डाली है वो गोल्डन ब्राउन जैसी हो गई है, क्रिस्पी कुरकुरी जैसी। ऊपर का जो कोट है क्रिस्पी कुरकुरा जैसा हो गया है। तो ये स्लाइस हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। उसके बाद हम ये दूसरी स्लाइस को भी फ्राई इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमारी ये एक प्लांट की स्लाइस इस तरह से फ्राई करना है। तो हमारी एक प्लांट कटलेट हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये एक प्लांट की कटलेट के साथ हम गार्लिक ब्रेड के साथ भी हम खा सकते हैं। सिर्फ हम एक प्लांट कटलेट भी खा सकते हैं। ये एक प्लांट कटलेट के साथ हम गार्लिक ब्रेड है या सलाड है, सलाड के साथ भी ये अच्छी लगती है। कोई भी सूप, हम गरम गरम सूप के साथ भी ये एक प्लांट स्लाइस है। ये जो गार्लिक ब्रेड है और उसके साथ ये जो गरम गरम सूप है, तो हमारा डिनर हो या लंच हो या ब्रेकफास्ट जो भी हो एकदम अच्छी तरह से हो जाता है। तो हम एक स्लाइस को हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये एक प्लांट एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर बिल्कुल कच्चा नहीं है। इस तरह से एक प्लांट कटलेट बनाना है। जिसको एक प्लांट खाना पसंद है उसको तो जरूर पसंद आएंगे। इस तरह से जरूर बनाइए, जरूर ट्राई करिए। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड एक प्लांट कटलेट जरूर बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।